जी आज हम सीखेंगे जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे। ठीक है, जीमेल आईडी बनाने के लिए आपने सबसे पहले आना है गूगल को, गूगल को आपने करना है ओपन, या किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपने यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है जीमेल। ठीक है, gmail.com। ठीक है, इसके बाद आपने इसको करना है ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर आप ऑलरेडी जीमेल आईडी बनाया हुआ है आपके, तो आप यहाँ से जस्ट यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने के बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे जो है ना साइन इन करेंगे। अदरवाइज आपने जब अभी हम दोबारा से बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट अकाउंट करूँगा। यहाँ पे मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो माइसेल्फ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम ऐसा होते हैं जैसे कि मैं जस्ट लिखूँगा लर्निंग, फर्स्ट नेम में लिखूँगा ऑनलाइन, ये मेरे चैनल का नाम है तो मैं यहाँ पे चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, लर्निंग ऑनलाइन, और यहाँ पे मैं लर्निंग एंड ऑनलाइन में यहाँ पे ट्राई करता हूँ। अगर ये किसी ने लिया नहीं ये तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं लर्निंग ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड कन्फर्म करना है। यहाँ पे अवेलेबल कह रहे हैं लर्निंग 119। ठीक है, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड कंफर्म करना है, लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले पासवर्ड देना है, इसके बाद दोबारा यही पासवर्ड को यहाँ पे एक दफ़ा मेंशन करना है। ठीक है जी, इसके बाद आप यहाँ पे करना है नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप जब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको बताएंगे अगर ये जो नाम पे आपने लिखा ना, मैंने यहाँ पे कस्टम किया था, मैं अपनी मर्ज़ी से लिखना चाह रहा था लेकिन वो हमने मुझसे पहले किसी और ने ले लिया था, इस वजह से वो मुझे नहीं मिला। अब यहाँ पे आ रहे हैं लर्निंग ऑनलाइन 748, कह रहे हैं ये अवेलेबल है अगर आप लेना चाहें तो। मैं यहाँ पर लिखूँगा लर्निंग ऑनलाइन 110, मैं ट्राई करता हूँ ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है जी, जी वो मुझे मिल गए तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दूंगा। मोबाइल नंबर देने के बाद जो है ना, मोबाइल जैसे ही नंबर में दूंगा तो उस मोबाइल नंबर पे वो लोग एक टेक्स्ट भेजेंगे, उस टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे करना है नेक्स्ट, इस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टू से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रेट रख लेता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसमें मुझे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से पहले मुझे जो है यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर देना है, अगर आप पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप यहाँ पे जो है ना सिटी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और सॉरी शहर मुल्क आपको जो भी कंट्री आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पे पाकिस्तान लिख लेते हैं और यहां पे मैंने, ठीक है, तो ये वाला इंटरफेस शो होगा। ये वाला इंटरफेस जैसे ही शो होगा तो आपने करना है यहां पे जो है ना, आपने अपने मोबाइल नंबर इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, ये वाले जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपने जो है ना मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही देगा, देने के बाद आप नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है ना एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को एज ए टेक्स्ट नंबर आएगा, जैसे कि 1 2 3 4 या 5 डिजिट का एक नंबर आएगा, उसको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप जो है ना अपना कंट्री सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है। जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसी तरह जो है ना जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से जो है ना क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आप आए, हम यहाँ पे लिखते हैं 03। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया, इसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट। अब देखें नेक्स्ट करने के बाद जो है ना मेरे पास आ गए हैं, एक नंबर आ रहे हैं, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैसेज आएगा मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा। ठीक है जी, मेरे पास आ गया मैसेज से ना, तो कोड के हवाले से तो मैंने यहाँ पे कोड इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद मुझे करना है यहाँ से वेरीफाई। ठीक है, ठीक है जी, तो मैं कॉल अटेंड करने के बाद मुझे जो कोड बताई है मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। इसके बाद जो है ना मेरे पास मैसेज भी आई है लोगों गूगल की तरफ से कि आपका जो है ना
जो पासवर्ड है, जो कोड नंबर है वो ये है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया, लिखने के बाद मुझे करना है जैसे यहाँ से वेरीफाई करना है। ठीक है जी, वेरीफाई करने के बाद जो है ना वो कह रहा है अगर आपको रिकवरी ईमेल अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर लें। मैं नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ मंथ यूज़ कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1994। ठीक है जी, जेंडर आप यहाँ से मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। ठीक है जी, इसके बाद करना है यस आई एम इन। अगर आप रिसीव वीडियो कॉल्स एंड मैसेज करना चाह रहे हैं मैं गूगल सर्विस इंक्लूडिंग एड्स और मोर रिलेवेंट, तो मैं यहाँ से जस्ट करूँगा, स्किप करूँगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद आप आपके पास ये वाले जो एग्रीमेंट फॉर्म में यहाँ पे मेंशन होगा यहाँ पे मोर करने है। मोर करने के बाद जो है ना आप जस्ट यहाँ से सेव एग्री यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एग्री करने है। ये एग्री करने से पहले आप जब एक दफ़ा जो है ना गूगल वालों की या जी मेल वालों की तरफ से जो भी आपको जो है ना यहाँ पे एग्रीमेंट में बोला गया है उनको अच्छी तरीके से आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है ताकि जो है ना आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है जी, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एग्री कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एग्री कर ले करता हूँ, एग्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे लेके जाएगा मेरा जीमेल अकाउंट इनबॉक्स में। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट करना होगा हमें यहाँ पे। जैसे ही ये नेट का प्रॉब्लम रिजोल्व होगा ये मुझे लेके जाएगा इनबॉक्स में, जीमेल इनबॉक्स में। ठीक है जी, तो ये देखें ये ओपन हो रहा है, मेरी जीमेल आईडी यहाँ पे बन गई है। बनने के बाद जो है ना मैं जीमेल आईडी से फेसबुक की आईडी बना सकता हूँ, मैं जीमेल आईडी को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग भी कमा सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना इस जीमेल आईडी को यूज़ करके जो है ना ब्लॉगर भी बना सकता हूँ, ब्लॉग पे मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, वेबसाइट बनाने के बाद मैं उसको मोनेटाइज भी कर सकता हूँ, इस तरह जो है ना कुछ पैसे भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम जो है ना इसी ईमेल आईडी को यूज़ करके ब्लॉगर कैसे बनाएंगे और ब्लॉगर यूज बनाने के बाद वहाँ पे पोस्ट कैसे करेंगे, पोस्ट करने के बाद जो है ना उन पोस्ट को जो है ना मोनेटाइज कैसे करेंगे गूगल एडसेंस के थ्रू। आजकल जो गूगल एडसेंस है जो आपको पीवी प्रॉपर तरीके से आपको देते हैं। ठीक है जी, तो आपको जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताएंगे। अभी हम जो है ना जस्ट देखें हमारे जो है ना इनबॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया है, होने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं वेलकम, अब मैं नेक्स्ट करूँगा या आपकी मर्जी, आप जो है ना अपनी इनबॉक्स किस तरह दिखाना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट है सही है, कम्फर्टेबल है, यहाँ पे कम्पैक्ट है, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहता हूँ तो मैं इसको जस्ट ओके कर दूँगा। देखें ये करने के बाद ये आप पर आ जाएगा यहाँ पे जो भी करना है। ठीक है, आपको जो ज़रूरी बात याद रखनी है ना वो ये है आपका। ठीक है, ये आपका जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने दिया था सुनने उस पासवर्ड को आपने करना है किसी नोट पैड पर आपने सेव रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे स्केच इंस्टिक ग्रुप, मैं यहाँ पे जो है इसको नोट पैड पर रखूँगा, यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। इस तरह जो है ना आपने यहाँ पे नोट पैड ओपन करना है, या मैं यहाँ पे नोट पैड के अलावा मैं यहाँ पे स्टिकी ओपन कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत छोटा है, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं इसको प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद जो है ना ये देखिए यहाँ पे मैंने सेव करना है। आपने ये वाले जो लाइन है ये लाइन ये आपकी ईमेल आईडी है, ये देखिए लर्निंग ऑनलाइन 110 ये आपकी ईमेल आईडी है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है ना आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, सेव करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है पासवर्ड। इस पासवर्ड को आपने याद रखना है 123 जो भी पासवर्ड आपने दिया। ठीक है जी, तो आप जब दूसरी बार आप इसमें साइन इन करेंगे ना तो आप मोबाइल में आप एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज की जो वीडियो है जिसमें हमने सीखा कि जीमेल आईडी कैसे बनाना है और इसको गूगल प्ले स्टोर में साइन इन कैसे करना है। कल वाली वीडियो में हम सीखेंगे हम ब्लॉगर कैसे बनाएंगे, यानी अपना ज़ाती वेबसाइट फ्री में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।